अपना देश सुनने वालों और देखने वालों को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम जानेंगे कि गणपति जिनकी स्थापना हमने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को की थी, उन्हें अब विदा करने का समय आ रहा है, तो उनको विदा किस तरह से करना चाहिए आज हम वही जानेंगे। साथ में दोस्तों हमने एक बहुत ही छोटा सा उपाय जानना है, वो एक काम जो है वो हमने विदाई के समय करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही दोस्तों आपने किस तरह से किन किन बातों का ख्याल रखते हुए भगवान गणेश को विदा करना है वो सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 10 दिन तक हम बड़े ही प्रसन्न मन से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की भोग लगाते हैं, हर दिन नए नए तरह से मोदक बना के भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद में 10वें दिन आ जाता है समय विदाई का। तो दोस्तों जिस तरह से पूरे मन श्रद्धा और आस्था से आपने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की, उसी मन और भावना के साथ आपने भगवान श्री गणेश को विदा करना है और साथ ही अगले वर्ष पुनः आने का न्योता भी दे देना है। दोस्तों जिस तरह से आपने भोग लगाया, पूजा अर्चना की, उसी तरीके से पूजा करते हुए आपने विदा करना है, और विदाई के दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपने विसर्जन के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी, तो उसके लिए करना क्या है, आपने आपने जहाँ पे भगवान विराजित हैं उसके अलावा एक दूसरा एक पाटा लेना है, उस पाटे को आपने साफ करके गंगा जल से स्वच्छ कर लेना है या गौमूत्र से पवित्र कर लेना है, और उसके बाद में घर में जो भी कोई स्त्री हो उसने उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। स्वास्तिक या तो आप अष्टगंध से बनाएं या फिर रोले से बनाएं, और फिर उस स्वास्तिक के ऊपर आपने अक्षत रखने हैं, और अक्षत रखने के बाद में उसके ऊपर या तो पीला, गुलाबी या लाल बहुत सुंदर सा एक रेशमी जो वस्त्र है वो बिछा देना है, और बिछाने के बाद में आपने उस पाटे के ऊपर जिस पर आपने फूलों की पंखुड़ियां फैलाई है उस पर भगवान श्री गणेश को आपने विराजित करना है, उसके पहले पाटे के चारों कोनों पर चार सुपारी रख देनी है, और फिर जय घोष के साथ में भगवान श्री गणेश के नाम की जयकारा लगाते हुए भगवान श्री गणेश को उस पाटे पर विराजित करना है, और उसके बाद में फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा, मोदक रख के आपने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी है। और दोस्तों जो काम मैंने आपको बताया शुरू में कि बहुत ही छोटा सा काम है जो आपने विदाई के पहले करना है, वो ये कि आपने लाल कपड़ा लेना है, और उस लाल कपड़े में थोड़ी सी चावल, गेहूँ, पंचमेवा डालकर और कुछ दक्षिणा सिक्के डालकर आपने उस पोटली को बांध देना है, वो भगवान श्री गणेश के साथ में आपने रखनी है। इसका कारण क्या है दोस्तों, ऐसी एक मान्यता है कि जब भी कोई रास्ते में या यात्रा के लिए जाता है तो उसको रास्ते में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो परिजन है या जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ के लोग रास्ते में के लिए तैयारी करते हैं, सामान बांधते हैं, खाने पीने का सामान बांधते हैं, ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई अड़चन या परेशानी ना आए। तो भगवान श्री गणेश की विदाई के पहले भी आपने उनकी यात्रा के लिए तैयारी करनी, और ये पोटली भगवान श्री गणेश के पास में आपने रख देनी है। और दोस्तों जब भगवान श्री गणेश की आप पूजा करें तो उसमें आपने दुर्वा जरूर से चढ़ानी है, दुर्वा चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलना है, और दुर्वा हो सके तो आप अपने हाथ से फ्रेश दुर्वा तोड़कर फिर उसकी जूड़ी बनाकर फिर आप जो है वो चढ़ाएं। फिर दोस्तों पूरे घर के लोगों को आपने या तो नदी, तालाब, पोखर पर अगर विसर्जन करने वाले हैं तो वहाँ पर आप सब जन जाएं और बड़े ही गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ भगवान श्री गणेश को वहाँ पर लेकर जाएं, और विसर्जन के पहले नदी के किनारे पर ही आपने पुनः भगवान श्री गणेश की कपूर आरती करनी है, और उनसे अपने घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने, और साथ ही जाने अनजाने हुई गलती के लिए क्षमा मांगनी। इसके लिए आपने बोलना है आवानम न जानामि न जानामि तव अर्चनम पूजाम चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, इस तरह से क्षमा याचना आपने करनी है, और उसके बाद में आपने को मूर्ति जो है वो जल में विसर्जित करनी है। लेकिन दोस्तों विसर्जित करते समय आपने ख्याल रखना है, आपने धीरे से पूरे सम्मान के साथ वस्त्र और सामग्री के साथ में धीरे धीरे बहाते हुए
गणेश जी की प्रतिमा को जल में विसर्जित करना है। और दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन ये कि अगर आपने इको फ्रेंडली गणपति बनाए तो आपने घर में ही गमले में, बड़े टब में या साफ सुथरी किसी बाल्टी में भी विसर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपने बाल्टी में साफ जल लेना या गमले में जल लेना और उसमें भगवान श्री गणेश की मूर्ति को आपने विसर्जित कर देना है। उसके बाद में उस मिट्टी को या तो अपने गार्डन में स्प्रेड कर देना है या फिर उस गमले में आपने पौधा लगा देना है। तो इस प्रकार भगवान श्री गणेश आपके घर में सदैव सदैव के लिए विराजित रहेंगे। और विदाई के समय आप जरूर से बोलें, गणपति बप्पा मोरिया पुच्छा वर्षी लव करिया, और उन्हें अगले वर्ष आने का निमंत्रण दे दें ताकि भगवान श्री गणेश की कृपा आपके घर परिवार पर सदा सदा बनी रहे। दोस्तों ये थी बड़ी आसान सी सिंपल सी पूजा विधि। बस पूजा विधि में एक दो चीज़ों का आपने विशेष ख्याल रखना है कि पुराणों के जो मंत्र होते हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को बोलने चाहिए जिन्होंने जनेऊ धारण करके रखी है। जन साधारण को पुराणों के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। और साथ में गणेश जी की पूजा अर्चना में भोग में आपने भूल कर भी तुलसी नहीं रखनी है। तो इन सब नियमों का ख्याल रखते हुए आपने भगवान श्री गणेश को विदाई देनी है ताकि वो जल्दी से अगले वर्ष पुनः आए और खूब हंसी खुशी हमारे परिवार में खूब खुशियाँ लेकर आए। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप पहली बार अपना देश का कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि चैनल की जो भी लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। गणपति बप्पा मोरिया।